हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ऑसम सिटी हैदराबाद अमी स्पेशल। कैसे आप सब लोगों में, आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको चिल्ली चीज़ मैगी बास्केट बनाना बता रहे हैं, जो बहुत ही यूनिक है। ये वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा यूट्यूब पे। बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनाया है हमने, बहुत ही टेस्टी रहेगा, यम्मी रहेगा। हमेशा आप सिर्फ खाली नूडल्स खाते होंगे, लेकिन ये बास्केट में आपने कभी नहीं खाया होगा। वीडियो एंड तक देखिए। चैनल अगर पे नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए द ऑसम सिटी हैदराबाद अमी स्पेशल को, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक भी पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी ये यूनिक रेसिपी बनाने का मौका मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक रोटी बना ली है, उसको हमने एक बाउल के पीछे लगा लिया है ऐसे। इसके बाद हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे, ताकि रोटी का अच्छे से फ्रेम बन जाए कटोरी के साइज़ का। आप कोई भी बाउल ले सकते हो, आप स्टील का। ये देखिए, ये हमारा फ्रेम बन चुका है। इसे हमने वन साइड फ्राई किया था इसे ऑयल में, डीप ऑयल में। हमने इसे बाउल में से निकाल लिया है, और इसे दूसरे साइड भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, ताकि अच्छे से पक जाए, अच्छे से सिक जाए। थोड़ा केयरफुली हैंडल कीजिए आप इसे, ये टूटना नहीं चाहिए। बहुत ही यूनिक स्टाइल है ये, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है ये। झटपट बन जाएगा ये भी। ये देखिए, हमारा बाउल रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा लुक आएगा जब आप इसमें बनाओगे, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही यूनिक लगेगा। तो हमारा ये बाउल बन चुका है, इसके ऊपर अब हम सॉस लगाएंगे। आपके पास जो भी सॉस अवेलेबल है आप इसमें लगा सकते हो। हमने इस पर टोमेटो सॉस लगाया है, इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और यमी रहेगा ये, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाएगी, और बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। इसके ऊपर अब हमने मेयोनीज़ लगाया है, इसे भी हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, आप वो भी ज़रूर देखिए, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिए। यूनिक रेसिपीज़ रहेंगे, नो ओवन नो ईस्ट बेकिंग रेसिपीज़ रहेंगे, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे, और इंस्टेंट बन जाएंगे कम चीज़ों में। ये देखिए, हमने मेयोनीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। इस बाउल को अब हम इसमें रेड चिली सॉस डालेंगे। इसमें बहुत ही तीखी, बहुत ही तेज़ है ये, आप घर में भी बना सकते हो या फिर मार्केट से भी ला सकते हो। ये रेड चिली सॉस बहुत ही तीखी है, बहुत ही तेज़ है। इसे हम अच्छे से एक लेयर लगा लेंगे। इसके ऊपर हमने मेयोनीज़ लगाया है, इसके ऊपर अब हम नूडल्स डाल लेंगे। इसमें हमने थोड़े वाइट नूडल्स डाले हैं। इसके बाद ये दूसरे टाइप के नूडल्स हैं। अभी अब इसमें हमने नूडल्स में हमने मसाला मिलाकर ये स्पाइसी किया है इसे थोड़ा, तो ये भी इसे इसके ऊपर डाल लेंगे हम। ये नूडल्स में हमने हल्दी मिलाई है, इसमें मैगी मसाला भी मिलाया है इसमें, तो थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है इसका। इसको अब हम गार्निश करते हैं हरे धनिया और थोड़ी हरी मिर्ची से। थोड़ा छोटे छोटे पीसेस करके डालिए आप इसके ऊपर, बहुत ही टेस्टी यमी रहेगा, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। और इसके ऊपर हम फिर से रेड चिली सॉस डालेंगे। इसके ऊपर अब हम फिर से नूडल्स डालेंगे, जिसमें हमने मैगी मसाला मिलाया था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और कौन से सिटी से आप हमारा वीडियो वॉच कर रहे हो।
हमारे चैनल पे और भी वीडियोस है, वो भी ज़रूर देखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे, मोज़रेला चीज़ अच्छे से स्प्रेड कीजिए इसके ऊपर। फुल चीज़ी यमी होना चाहिए, तो जितना चीज़ खाना चाहते हैं आप उतना ज़्यादा चीज़ डालिए इसके ऊपर। बहुत ही टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी ये भी। अगर आपके पास चीज़ स्लाइसेस है तो आप वो भी रख सकते हैं उसके ऊपर। हमने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाला है, अच्छे से स्प्रेड किया है सारा, ताकि मुँह में हर बाइट में हमें चीज़ का टेस्ट आए। ये हमने चीज़ अच्छे से स्प्रेड किया है इसके ऊपर। इसके ऊपर हम फिर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और ग्रीन चिली डालेंगे, छोटे छोटे पीसेस हमने किए थे इसके। ये देखिए, दिखने में तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी नज़र आ रहा है, ये खाने में भी उससे ज़्यादा यमी और टेस्टी रहेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप, ये यूनिक रेसिपी है। इसके ऊपर अब हम थोड़े से ऑलिव्स लगा लेंगे। हमारे पास ब्लैक ऑलिव्स अवेलेबल थे तो हमने वो लगाए हैं, आपके पास ग्रीन है तो वो भी लगा सकते हैं। इसको हम थोड़ा एक दो मिनट के लिए इसे बेकिंग के लिए रख देते हैं स्टोव के ऊपर, ताकि हमारा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, हमारा हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। चिली चीज़ मैगी बकेट हमारी रेडी हो गई है, टेस्टी रहेगी, बहुत ही मज़ेदार रहेगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। ये देखिए, हमने इसे कढ़ाई के ऊपर दो मिनट के लिए रखा था ताकि हमारा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमारा मोज़रेला चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है इसमें। ये देखिए कैसे लेयर्स निकल रहे हैं इसके, चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। हमारी मैगी भी रेडी है खाने के लिए। तो मैगी देखिए न्यू स्टाइल में हमने बनाया है, जो हमेशा मैगी खाते हैं हम, उसको अच्छे से और यूनिक स्टाइल में खाइए आप, ये भी बहुत पसंद आएगा आपको। बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मज़ेदार रहेगी। तो बन जाएगी दो मिनट में आपकी भी मैगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।